3 जुलाई के डेली की मैगजीन है। तो चलिए हम आज की फर्स्ट न्यूज स्टार्ट करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इश्यूज डिटेल गाइडलाइंस फॉर मिशन शक्ति। ठीक है, तो गाइस ये जो न्यूज़ है सोशल इश्यूज में कवर होगी। अभी क्या मिशन शक्ति इंटीग्रेटेड वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम है, तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए मिशन शक्ति किससे रिलेटेड है, वुमेन के रिलेटेड है। और ये लॉन्च किया गया था अम्ब्रेला स्कीम सो दैट हम क्या कर सकें, वुमेन की सेफ्टी सिक्योर कर सकें, उनकी सिक्योरिटी सिक्योर कर सके और उनको एम्पावर कर सके। ठीक है, इस मिशन में हम क्या करेंगे, जो भी वुमेन अफेक्टेड होती हैं ऑन अ लाइफ साइकिल कंटिन्यूम बेसिस एंड विल बी इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द 15th फाइनेंस कमीशन पीरियड। ठीक है, मतलब कि पूरे लाइफ साइकिल में वुमेन किस किस दिक्कतों इफेक्ट करती हैं उसको एड्रेस करेंगे और इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा इन 5 सालों के लिए। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो वुमेन के ऊपर हमेशा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि केयर करनी है, उस केयर बर्डन को रिड्यूस करेंगे और फीमेल का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन इंक्रीज करेंगे, उनके स्किल डेवलपमेंट प्रमोट करके, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, उनको और फाइनेंशियली लिटरेट करके एंड एसेस टू माइक्रो क्रेडिट। ठीक है, मिशन शक्ति के अंदर 2 सब स्कीम्स हैं, एक संबल है जो कि सेफ्टी के लिए, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए, एक समर्थी है जिसके अंदर हम वुमेन को एम्पावर करना है। ठीक है, संबल कंपोनेंट के अंदर क्या है, इसके अंदर कुछ और स्कीम्स हैं, पहली जो कि वन स्टॉप सेंटर है, वुमेन हेल्पलाइन है, बेटी बचाओ बेटी अड़ाओ, इसके अंदर ये सब स्कीम्स तो हैं। इसके अलावा कुछ और कंपोनेंट भी है नारी अदालत का, जिसके अंदर क्या है, अगर किसी वुमेन को आउट ऑफ कोर्ट अपने रिजोल्यूशंस मतलब डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करना है तो उसको वो कर सकते हैं। सो इट इज़ अ वुमेन कलेक्टिव टू प्रमोट एंड फैसिलिटेट अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन और जेंडर जस्टिस इन सोसाइटी एंड विद इन द फैमिली। ठीक है, समर्थ्य कंपोनेंट में कुछ और स्कीम्स हैं, जैसे उज्ज्वल हो गया, स्वधर गृह एंड वर्किंग वुमेन हॉस्टल, इनको इंक्लूड किया गया कुछ मॉडिफिकेशन का। इसके अलावा कुछ और जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं जैसे नेशनल क्रेड स्कीम या फिर प्रधानमंत्री मातृत्व योजना अंडर अम्ब्रेला इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इनको भी समर्थ्य में इंक्लूड किया गया। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग सब स्कीम्स हैं जो महिला शक्ति केंद्र और महिला पुलिस वॉलंटियर, उनको अभी डिसकंटिन्यू कर दिया। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि इसके अंदर मिशन शक्ति के अंदर 2 स्कीम्स हैं, एक संबल है जिसके अंदर सेफ्टी सिक्योरिटी है, और इसके अंदर हमने देख लिया कि कौन कौन सी स्कीम्स को इन्होंने इंक्लूड किया और क्या और मॉडिफिकेशन की है, वो एक समर्थ्य है जिसके अंदर जो मेनली एम्पावरमेंट के लिए, इसमें जो एग्जिस्टिंग है उनको भी कुछ किया है हमने और कुछ और भी इंक्लूड किया। फंडिंग पैटर्न क्या है, संबल मतलब जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रिलेटेड है उसमें अंदर 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, बाकी समर्थ्य में 60:40 के अकॉर्डिंग फंडिंग होगी, जिसमें 60% फंडिंग सेंट्रल सपोर्ट करेगी, 40% सेंटर वो कौन सपोर्ट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट, एक्सेप्ट जो नॉर्थ ईस्ट और स्पेशल कैटेगरी स्टेट है उसमें 90% सेंट्रल फंडिंग देगी और 10% पर्टिकुलर दैट स्टेट करेगी। ठीक है, यूनियन टेरेटरीज में 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जाएगी। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स सेट्स अप कमिटी ऑन द राइट टू रिपेयर। ठीक है, अभी क्या है, ऑन द बिट टू एम्फसाइज ऑन द लाइफ, अभी हम क्या कह रहे हैं, लाइफ पर बहुत ज़्यादा लाइफ मूवमेंट पर बहुत ज़्यादा एम्फोसिस दे रहे हैं, दैट इज़ अ लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट। ठीक है, सो दैट हम इस तरह से कंज्यूम करें चीज़ों को सो दैट वो सस्टेनेबल वे में रहे। ठीक है, तो इसलिए क्या, जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है उसने कमेटी सेटअप करी है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, किस तरह से राइट टू रिपेयर का फ्रेमवर्क है उसको डेवलप करेंगे। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया है, जैसे फार्मिंग इक्विपमेंट हो गया, मोबाइल फोन टैबलेट्स हो गया, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हो गया, ऑटोमोबाइल एंड ऑटोमोबाइल इक्विपमेंट हो गया। राइट टू रिपेयर के अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम जो मैन्युफैक्चरर्स होंगे उनको बोलेंगे कि जो भी वही पार्ट्स जो भी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उनको बोलेंगे कि आप एक ऑथेंटिक पार्ट्स मैन्युफैक्चर करो और कंज्यूमर के पास वो अवेलेबल होना चाहिए सो दैट दे कैन गेट देयर डिवाइस रिपेयर फ्रॉम इंडिपेंडेंट सोर्स एज वेल इफ दे सो डिजाइन। अभी आपके पास है कोई कंपनी का फ़ोन खरीदते हो, ठीक है, अगर उसकी बैटरी खराब हो गई, उसका स्क्रीन कार्ड खराब हो गया, कुछ भी खराब हो गया, तो आप पर्टिकुलर उस कंपनी की ही लेते हो। ठीक है, तो उनका ये है कि अगर आपको ऑथेंटिक पार्ट होगा, अगर बाहर मतलब कोई और भी रिटेल शॉप वाला आपको बेच सके, ठीक है, तो ये बात है। राइट टू रिपेयर हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड इन मेनी कंट्रीज, किस किस और कंट्रीज में भी इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग USA, UK एंड यूरोपियन यूनियन। ठीक है, अब राइट टू रिपेयर मूवमेंट को नीड क्यों चाहिए, सो दैट हम क्या कर सके, स्मॉल रिपेयर शॉप्स के बिजनेस को ऊपर लेके जा सके। ठीक है, इसके अलावा प्लान्ड ऑबोलेसेंस के कल्चर को, मतलब कि जो डिजाइन डिवाइसेस डिजाइन स्पेसिफिकली हुआ टू लास्ट अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम एंड टू बी रिप्लेस्ड। ठीक है, मतलब अगर आपको पता है कि इसकी सर्विस लाइफ 2 साल तो वो 2 साल ही चलेगी, उससे ज़्यादा नहीं चलेगी। ठीक है, उसको रिप्लेस करना ही करना पड़ेगा। फाइन, इसके अलावा जो एनवायरनमेंट पे इमेंस प्रेशर है या फिर जो नेचुरल रिसोर्सेज हमारे वेस्ट हो रहे हैं वो रिड्यूस होंगे, मनी और टाइम कंज्यूमर का दोनों बचेगा। ठीक है, इसके अलावा कंसर्न्स के इसके साथ राइट टू रिपेयर के साथ लार्ज टेक कंपनी जैसे एप्पल टेस्ला हो गया, इन्होंने अपने ऑलरेडी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थर्ड पार्टी रिपेयर सर्विसेज को दे रखे हैं। ठीक है, जो सिर्फ अपना ही प्रोडक्ट्स को रिपेयर करती हैं। ठीक है, और बोलते हैं कि हम ही अपने डिवाइसेस को सेफ्टी सिक्योरिटी दे सकते हैं। ठीक है, अभी लाइफ मूवमेंट है क्या, आइडिया जो लाइफ था वो इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा ऑन द 26th
यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 2021 ग्लासगो में। इसका एम ये कि हमें करना है ऐसा लाइफस्टाइल जीना है अपने प्लैनेट पे सो दैट हम उसको हार्म ना कर सकें, ठीक है। और जो लोग इस लाइफस्टाइल के लिए जिएंगे उसको हम प्रो प्लैनेट पीपल बोलेंगे, ठीक है। इस मिशन में हमने एक इकोसिस्टम क्रिएट करना है जिससे हम क्या कर सकें एनवायरमेंटली फ्रेंडली बिहेवियर्स अडॉप्ट कर सकें लोगों के अंदर सो दैट सेल्फ सस्टेनेबल बना सकें। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है क्रिटिकली एंडेंजर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड काउंट फॉल बिलो 100। तो कहीं से जो न्यूज़ है एनवायरमेंट में कवर होगी, अभी क्या जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा डाउन जा रही है बिकॉज ड्यू टू द लैक ऑफ एक्शन टू कन्वर्ट द ओवर हेड केबल। क्योंकि तो कोई बर्ड है तो अगर वो तारों में फंस के क्या तो मर जाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि अभी क्या केबल्स जो है वो अभी ऊपर आसमान से जाती हैं, बोला गया था अंडरग्राउंड करेंगे लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं, जिसकी वजह से गुजरात और राजस्थान में इनकी पॉपुलेशन काफ़ी ड्रॉप देखने को मिला है। अप्रैल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने पावर कंपनीज को ऑर्डर भी किया था दोनों स्टेट में कि अपनी हाई टेंशन जो पावर लाइन्स है उनको अंडरग्राउंड बनाओ सो दैट जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो मतलब तारों के जाल में ना फंस पाए, ठीक है। 3 मेंबर की हाई लेवल कमेटी को भी बनाया गया था सो दैट वो इस वर्क की फिजिबिलिटी को देखे, ठीक है। हाउएवर जो सेंट्रल राजस्थान गवर्नमेंट है उन्होंने इस ऑर्डर को ऑब्जेक्ट किया था, ये बोला था कि ऑर्डर फिजिबल नहीं, मतलब कि अंडरग्राउंड पावर्स को लेके जाना ऑर्डर नहीं है बिकॉज इसके अंदर सबसे ज़्यादा सेफ्टी रिस्क नहीं है और कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है और पावर सेक्टर और ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट होगा, ठीक है। इसके अलावा क्या है जो भी एरिया फॉल हो रहा है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैबिटेट से वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है फॉर डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। इसके अलावा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को क्या क्या थ्रेट्स हैं, हंटिंग हो रही है, उनका हैबिटेट इरोड हो रहा है, ग्रीनिंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसकी वजह से जो ड्राई ग्रासलैंड्स हैं वो वुडेड एरियाज में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। प्रीडेटर स्प्रिंग हो रहे हैं एग्स वगैरह पे, ठीक है, मतलब जो भी वो अंडे देते हैं तो वहाँ पे क्या उनको अंडे पहले बच्चा आने से पहले उनको जो भी जो प्रीडेटर्स हैं उनको जो वो खा जाते हैं, ठीक है। स्टेप्स क्या लिए सोचा हम इनको कंजर्व कर सकें, ये इट इज़ वन ऑफ द स्पीसीज फॉर रिकवरी प्रोग्राम अंडर द इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। इसके अलावा इसको हमने इंक्लूड किया अंडर द नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, ठीक है। अब आप देख सकते हो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से हम हमेशा पढ़ते हैं, हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है, अबाउट ये क्या बोलते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में, इसका हैबिटेट क्या है ये वैसे बताऊँ ये इन्होंने कल का लिख दिया, सिर्फ इन्होंने ये लिखना था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में करना था। हैबिटेट के ही कहाँ कहाँ रहते हैं, ड्राई और सेमी ड्राई ग्रासलैंड पे, ठीक है, ओपन कंट्री विथ थॉर्न स्टब, टॉल ग्रास इंटरप्रेस्ड विथ कल्टिवेशन, इरीगेटेड एरियाज को अवॉइड करते हैं, राजस्थान में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और इंडियन सब कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। एंडेमिक मतलब वहीं के नेटिव हैं। आयुषन स्टेटस का क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इंपॉर्टेंट साइट कौन कौन सी है, डेजर्ट नेशनल पार्क सेंचुरी नालिया गुजरात में, वोरा महाराष्ट्र में, बेलारी कर्नाटक में। फाइन, नेक्स्ट न्यूज़ है फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बैक टू बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल। देखो कई ट्रिपल पीक जैसे कोई भी रोड बनती हैं तो उनके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में बनती है, मतलब कि प्राइवेट कंपनीज गवर्नमेंट के कुछ प्रोजेक्ट्स को लेती हैं, ठीक है, तो इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल बोलते हैं, ठीक है। अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के अंदर भी डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, तो अभी क्या न्यू प्रोजेक्ट्स के अंदर जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी अंडर है वो वापस BOT मॉडल पे आगे तरीके से बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, ठीक है, मतलब कि पहले प्राइवेट कंपनी बिल्ड करेगी उसको ऑपरेट करेगी फिर उसके सारे राइट्स वापस गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देगी, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अभी क्या आफ्टर फंडिंग हाईवे प्रोजेक्ट थ्रू पब्लिक मनी जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो क्या करिए वापस फंडिंग करेगी थ्रू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और प्लान करिए कि जो दो हाईवे के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट है वो प्राइवेट प्लेयर को देगी अंडर दिस मॉडल, ठीक है। अब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के डिफरेंट डिफरेंट मॉडल है मैंने आपको बताया, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर में क्या होता है इसके अंदर ये BBB मॉडल है, दैट इज अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है जिसके अंदर जो किसी प्राइवेट एंटिटी है वो बिल्ड करती है उस हाईवे को, डिज़ाइन करती है, ऑपरेट करती है रोड को और बाद में उसको ट्रांसफर करती थी गवर्नमेंट को। टोल ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल में क्या होता है, ये मॉडल होता है जिसमें क्या होता है जो भी ऑपरेशनल जो नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पे इन्वेस्टर्स क्या करते हैं बहुत अच्छी मनी कमा सकते हैं ताकि वहाँ पे टोल टैक्स लगा के, ठीक है, तो वहाँ उनको मोनेटाइज कर देती हैं जिसके अंदर उनको लॉन्ग टर्म पीरियड में जैसे 10 साल हो गया या 5 साल के लिए उनको टोल कलेक्शन के राइट्स मिल जाते हैं बैक बाय साउंड टोलिंग सिस्टम, ठीक है। फिर एक होता है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन मॉडल, इसके अंदर क्या होता है जो कॉस्ट पूरी की पूरी गवर्नमेंट बोर्न करती है, गवर्नमेंट क्या करती है कंपनीज को बुलाती है कि कौन कौन प्राइवेट प्लेयर्स है कौन इस मॉडल को मतलब कि या प्रोजेक्ट को बनाएगा। नेक्स्ट है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, इसके अंदर जो 40% प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो गवर्नमेंट देती है कंस्ट्रक्शन सपोर्ट देती है और 60% जो है वो डेवलपर के द्वारा अरेंज किया जाता है या जो भी प्राइवेट प्लेयर, ठीक है। ये हाइब्रिड मॉडल इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसके अंदर मतलब 40% क्योंकि गवर्नमेंट दे रही है 60% प्राइवेट प्लेयर दे रहा है। टोल फी कलेक्शन होती है वो डेवलप किया जाता है अंडर द हाइब्रिड एनिमेटर जो कि गवर्नमेंट की होती है, मतलब कि जो भी टोल आएगा वो गवर्नमेंट के पास जाता है। बिल्ड लीज ट्रांसफर, अब आपको समझ में आ गया इसके अंदर क्या करते हैं, पहले तो आप बिल्ड करते हो फिर गवर्नमेंट को लीज पर दे देते हो, ठीक है, मतलब कि प्राइवेट प्लेयर बनाएगा वो लीसिंग इट टू द गवर्नमेंट और उसके बाद सभी के सभी जो एक बार उसने रिकवर कर लिया अपने इन्वेस्टमेंट, सपोज करो प्राइवेट प्लेयर ने
इस प्रोजेक्ट पे 100 करोड़ पे लगाया, ठीक है। तो 100 करोड़ जब तक पहले वो टोल से अपना कलेक्ट कर लिया, उसके बाद जब उसका इकट्ठा हो गया तो वापस में वो ट्रांसफ़र कर देगा गवर्नमेंट को, फाइन। इसके अलावा लीज डेवलप ऑपरेट ट्रांसफ़र, इसके क्या होता है, पहले एसेट्स को प्राइवेट सेक्टर को दिया जाता है लीज पे, ठीक है, कि वो कुछ मेंटेन करेगी, ऑपरेट करेगी। जैसे सपोज कर कोई रोड है टूट गई है तो उसको ऑपरेट करेगी, उसको मेंटेन करेगी फॉर द टर्म ऑफ कंसेशन पीरियड, और उसके बाद एसेट्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है अथॉरिटी को, फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है, फर्स्ट एवर ITU UT वर्चुअल समिट हेल्ड, ठीक है। ये न्यूज़ है हमारी किसमें कवर होगी, इंटरनेशनल रिलेशन में। अभी ये जो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है इन द इनॉग्रल वर्चुअल समिट ऑफ 4 नेशन ग्रुपिंग, ठीक है। अब इसमें 4 नेशन कौन कौन से, ITU UT, इंडिया, इज़राइल, UAE एंड USA, ठीक है। इसका एम है कि हम जो चारों कंट्रीज़ के म्यूचुअल कॉमन एरियाज़ के इंटरेस्ट हैं उस पर डिस्कस करेंगे और इकोनॉमिक पार्टनरशिप बढ़ाएंगे ट्रेड में और इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, ठीक है। इसके अंदर इन्होंने 6 एरियाज़ देखे कि कहाँ कहाँ कोऑपरेट कर सकते हैं, एक वाटर, एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन, स्पेस, हेल्थ एंड फूड सिक्योरिटी। ये जो ITU UT पहली बार October 2021 में मेंशन किया गया था जब अब्राहम एकॉर्ड हुआ था इज़राइल और UAE में, सो दैट हम कुछ मैरिटाइम सिक्योरिटी रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनका डील कर सकें, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट का। अब सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के लिए इस प्रोजेक्ट का, सबसे पहले क्या, इसके साथ हम वेस्टर्न इंडियन ओशन के साथ अच्छा एंगेज कर सकते हैं जो इंडिया, स्विस कैनल और साउथ अफ्रीका के पास लाई करते हैं। इसके अलावा जो वर्ल्ड का 12% रेट है वो स्विस कैनल के होके थ्रू जाता है जो इंडिया ओशन को मेडिटेरेनियन के साथ कनेक्ट करता है विया रेड सी। इसके अलावा इससे क्या होगा, हमारी जो स्ट्रेटेजिक मार्केट है स्पेशली वेस्ट एशिया में, हम उसका असेस कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि UAE मतलब कि अगर आपको वेस्ट एशिया में जाना तो आपको सेंट्रल एशिया के साथ अच्छे रिलेशन बनाने पड़ेंगे, ठीक है। कुड लेड टू द सिग्निफिकेंट इससे जॉब क्रिएशन भी होगा इंडिया में। प्रेजेंटली इंडिया और USA 2-4 नेशन ग्रुप हैं, जैसे एक तो क्वाड का ग्रुप है और अब ITU UT के ग्रुप हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव दोनों के सेम ही है, ठीक है। और इन्होंने एक सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना और साथ में जो चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है उसको काउंटर भी करना, ठीक है। नेक्स्ट है, आप ये देखना जितने भी ग्रुप्स हो रहे हैं तो उसमें एक कॉमन चीज़ होता है कि हमें चाइना को काउंटर करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, इंक्लूजन ऑफ इंडियाज फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी अहमदाबाद इन टाइम मैगजीन्स वर्ल्ड 50 ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ द 2022। तो ये नई गाइस हमारी न्यूज़ आर्ट एंड कल्चर में कवर होगी। अभी जो टाइम मैगजीन है रिसेंटली उसने क्या किया है, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 लिस्ट को अनवील किया, जिसमें अहमदाबाद और केरला को फीचर किया गया है। अहमदाबाद लेते हैं, ये वर्ल्ड सिटी है और इंडिया का फर्स्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है। यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज कल्चर प्रोजेक्ट है इसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टेट पार्टीज को असिस्ट करते हैं सो दैट वो उनका जो भी अर्बन हेरिटेज है वो उनको प्रोटेक्ट कर सके, मैनेज कर सके। अगर किसी भी सिटी को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड होना है तो उस सिटी को पर्टिकुलर आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू होनी चाहिए और एटलीस्ट 10 सिलेक्शन क्राइटेरिया में से एक क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए, ठीक है। इसको फाउंडेड किया गया था बाय द सुल्तान अहमद शाह 15th century में, किसको, अहमदाबाद के मैं पढ़ रहे हैं, ऑन द ईस्टर्न बैंक ऑफ द साबरमती रिवर। इसको पहले आशा बिल भी बोलते थे, कर्णावटी ऑफ करणदेव रजनगर जो कि कैपिटल ऑफ जैनिज्म थी, ठीक है। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर भी जैसे भद्र सिटाडल है, ठीक है, वॉल्स एंड गेट्स ऑफ फोर्ट सिटी है और कुछ मॉस्क्यूज टॉम्स भी हैं एज वेल एज कुछ हिंदू और जैन टेम्पल्स भी हैं, ठीक है। टिम्बर बेस्ड आर्किटेक्चर है उसका, बहुत अच्छा एक्सेप्शनल सिग्निफिकेंस है, बहुत यूनिक एक्सपेक्ट है उसका हेरिटेज का। अहमदाबाद का जो सेटलमेंट है, प्लानिंग है, ठीक है, वो बहुत अच्छा है। इसकी जो स्ट्रीट्स है एज ऑल्सो कम्युनिटी स्पेसिस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लोकल विजडम एंड सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बॉन्डेज, फाइन। अब हम कुछ छोटी न्यूज़ पर बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रिसेंटली क्या है, आंध्र प्रदेश विच इज़ वन ऑफ द 6 स्टेट्स, इसमें से अलग 5 कौन है, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, गुजरात, तेलंगाना, उन्होंने क्या करा है, इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करना कर मना कर दिया, ठीक है। जिन्होंने मना किया था उन्होंने रीज्वाइन कर लिया, ठीक है। जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम आपको पता ही है किसके अंडर है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, जिसके अंदर क्या होता है कुछ क्रॉप्स के कल्टीवेशन पर आपको क्या मिलता है, इंश्योरेंस कवरेज मिलता है, ठीक है। और स्कीम वॉलंटरी, अगर आप ऑप्ट करना चाहते हो तो करो, 2% आपको मिलता है खारिफ क्रॉप्स के लिए, 1.5% रबी क्रॉप्स के लिए और 5% हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए, फाइन। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेजेंट पीरियोडिकल बिल्स 2019। अभी क्या है, एज रिपोर्टेड जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक बिल प्रिपेयर कर रही है फॉर अ न्यू रजिस्ट्रेशन डिजाइन फॉर न्यूज़पेपर दैट विल ऑल्सो इंक्लूड द डिजिटल न्यूज़ मीडिया इंडस्ट्री विच करंट इज नॉट इंक्लूडेड इन द सेंट्रल रजिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क। मतलब सिंपल बात किया, अभी क्या सेंट्रल गवर्नमेंट एक बिल प्रिपेयर कर रही है जिसके अंदर ये कि अगर किसी न्यूज़पेपर ने कुछ डिजिटल न्यूज़ मीडिया इंडस्ट्री से रिलेटेड न्यूज़ को इंक्लूड करना है तो वो करेगी या कैसे करेगी, तो उससे रिलेटेड एक बिल बना जा रहा है, ठीक है, जो अभी इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, ठीक है। इस बिल में क्या करा है, दी बिल जो कॉलोनियल मतलब जो ईरा का जब इंडिपेंडेंस से पहले प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट है उसको रिप्लेस कर देगा, जिसमें करंटली जिसको फिलहाल जिसको
एक्ट के थ्रू रेगुलेट किया जाता है न्यूज़पेपर और प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, 2019 में सेंट ने बोला था कि हमें एक बिल ड्राफ्ट करना चाहिए जिसके अंदर हमें न्यूज़ ऑन डिजिटल मीडिया को भी डिफाइन करना चाहिए, और जो भी न्यूज़ डिजिटल मीडिया फॉर्मेट में है, जो भी इंटरनेट पर फैलती है या कंप्यूटर या मोबाइल नेटवर्क थ्रू है, चाहे टेक्स्ट हो, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, उसको भी रेगुलेट करना आना चाहिए। नेक्स्ट है रेंडमाइज कंट्रोल्ड ट्रायल्स। ठीक है, RCT एक तरह का एक्सपेरिमेंटल फॉर्म ऑफ इम्पैक्ट एवोल्यूशन है, जिसके अंदर क्या होता है, इन विच द पॉपुलेशन रिसीविंग द प्रोग्राम और पॉलिसी इंटरवेंशन इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द एलिजिबल पॉपुलेशन एंड अ कंट्रोल ग्रुप इज ऑल्सो चूजन रैंडम फ्रॉम द सेम एलिजिबल पॉपुलेशन। ठीक है, ये क्या होता है, मतलब सिंपल बात की है, सपोज करो कोई पॉलिसी आई है, कुछ स्कीम इम्प्लीमेंट हुई है, ठीक है, तो आपने क्या करा, सपोज करो आप 100 लोग हैं, मैंने क्या कर दिया, स्पेसिफिकली आपको चूज़ कर लिया कि आप इस स्कीम का फ़ायदा उठाओगे, ठीक है, और उसी ग्रुप में से मैंने एक बंदे को कर दिया कि आप क्या करोगे, आपको चूज़ कर लिया, ठीक है, मतलब हम ये देखेंगे कि उसका इम्पैक्ट कितना पड़े। ठीक है, ये कहते हैं ये लार्जर क्वेश्चन ब्रेक करती है कि जो भी पॉलिसीज आई हैं उसका कुछ इफेक्ट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। ठीक है, फॉर एग्जांपल बिग क्वेश्चन जैसे पॉवर्टी, दे आर ब्रोकन डाउन इनटू वेरियस डायमेंशन लाइक पुअर हेल्थ, इनएडिक्वेट क्वेश्चन। ठीक है, विद इन द पुअर हेल्थ तो RTC क्या करेगी कि अगर पुअर हेल्थ है तो क्यों है। ठीक है, क्योंकि आप बोलो कि न्यूट्रिशन की कमी है, ठीक है, मेडिसिन नहीं आती आपके पास, वैक्सीनेशन नहीं है, तो इससे क्या होगा, हमें बड़े क्वेश्चन का हल पता चलता है। नेक्स्ट है ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने अभी एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया अंडर ई नाम, इससे क्या होगा, फार्मर्स क्या करेंगे, अपने प्रोड्यूस को बेच सकेंगे बियॉन्ड देयर स्टेट बाउंड्रीज, मतलब अभी तो क्या स्टेट के अंदर ही बेच सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, फार्मर्स अपनी क्रॉप को अच्छा सेल कर सकते हैं डिजिटली टू मल्टीपल नंबर ऑफ मार्केट बायर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर और ट्रांसपेरेंसी लेके आ सकते हैं। ई नाम को लॉन्च किया 2016 में, पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो क्या करता है, जो एग्जिस्टिंग जो भी APMC मार्केट्स हैं उनको, उनके लिए भी एक नेशनल मार्केट प्रमोट करता है, मतलब कि इस पोर्टल के अंदर जो भी APMCs हैं, जो भी आप बोलते हो कमीशन एजेंट्स होते हैं, वो सब होते हैं। ठीक है, स्मॉल फार्मर SFAC वो लीड एजेंसी जो इम्प्लीमेंट करती है ई नाम को अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर। देखो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है। ठीक है, नेक्स्ट है नेशनल मिशन ऑन द यूज ऑफ बायोमास इन द थर्मल पावर प्लांट। अभी क्या रिसेंटली क्या जो समर्थ ने कोलैबोरेट किया NTPC के साथ और एक वन डे वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करी है कि किस तरह से जो आप एग्रीकल्चर का रेसिडी उसको यूटिलाइज कर सकते हो थर्मल पावर प्लांट में। ठीक है, समर्थ को लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा 2021 में, सो दैट जो एग्रीकल्चर का रेसिडी उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हो टू प्रोड्यूस जीरो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी। इसके अंदर सभी जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनको मैंडेटरी है कि उनको 5 से 10% बायोमास यूज़ करना है कोल के साथ, सो दैट पावर को प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहे हैं कि किस तरह से हम बॉयलर्स को डिज़ाइन कर सकें सो दैट वो ग्रेटर अमाउंट ऑफ सिलिकॉन एल्कलाइज को हैंडल कर सके इन बायोमास पैलेट्स। फाइन, नेक्स्ट है सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। अभी क्या है, इसको ऑपरेशनल किया है सभी शेड्यूल लैंग्वेजेस में, जो भी हमारी 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, सो दैट हम सभी रीजन्स में इसकी आउटेज बढ़ा सकें। ठीक है, ये है कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो सिटीजन्स के पास 24 घंटे रहता है, सो दैट अगर उनको कोई दिक्कत है पब्लिक अथॉरिटीज़ को लेके तो वो यहाँ पे रजिस्टर कर सके। सिंगल पोर्टल है जो सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट को कनेक्ट करती है। ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या स्टेट की है। ठीक है, इससे पहले सिर्फ 5 लैंग्वेज में अवेलेबल थी, हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, गुजराती, मराठी, तो अभी 22 लैंग्वेज में आ गई है। नेक्स्ट है मंकी पॉक्स वायरस। पहला मंकी पॉक्स केस डिटेक्ट किया केरला में। ठीक है, ये जूनोटिक डिजीज़ है, सबसे पहले 1958 में डिस्कवर की थी मंकीज में, जो इन्फेक्टेड एनिमल्स से ह्यूमंस में भी फैलता है। प्राइमरी कहाँ पर रहना जाता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रीजन सेंट्रल वेस्ट एरिया, और ओकेजनली इसको एक्सपोर्ट किया जाता है टू अदर रीजन। ये फैमिली ऑफ पॉक्सफेरेट से बिलोंग करते हैं, जिसके अंदर कुछ वायरसेस भी हैं जिसकी वजह से स्मॉल पॉक्स होता है, काउ पॉक्स होता है। ये ट्रांसमिट होते हैं थ्रू लेशंस, बॉडी फ्लूड्स, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, कंटेमिनेट मटीरियल। ठीक है, वैक्सीन जो यूज होते हैं ड्यूरिंग स्मॉल पॉक्स रेडिएशन, इसको ही यूज़ किया जाता है अगेंस्ट मोनी पॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट है एशियाटिक ब्लैक बियर्स, इनको हिमालयन बियर, टिबेटन बियर या मून बियर भी बोलते हैं। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, साउदर्न ईरान टू हिमालयस इन इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया में एंड कुछ ईस्टर्न एशिया और इंक्लूडिंग जापान में पाए जाते हैं। हैबिटेट क्या, स्टीप माउंटेन्स में रहते हैं, डिजीडियस फॉरेस्ट, मिक्स फॉरेस्ट, थॉर्न ब्रश, मोइस्ट फॉरेस्ट में रह जाते हैं। इसका साइंटिफिक नेम ही है, IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल है, अंडर अपेंडिक्स 1 है इन साइट्स और शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड प्रोटेक्शन है। इंडिया में 4 स्पीसीज हैं बियर्स, एशियाटिक ब्लैक, स्लोथ, सन एंड हिमालयन ब्राउन बियर। थ्रेट के हंटिंग और हैबिटेट लॉस। ठीक है, कुछ पर्सनैलिटी है न्यूज़ में, दैट इज आचार्य प्रफुल्ला चंद्र रे,
इनको फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री भी बोला जाता था। इन्होंने एक स्टेबल कंपाउंड मर्क्यूरस नाइट्राइड को डिस्कवर किया था 1896 में, और फिर बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स लिमिटेड को भी एस्टेब्लिश किया गया था, जो कि इंडिया की पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी थी 1901 में। इन्होंने कुछ और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रिसर्च की थी, कंटेनिंग सल्फर, डबल साल्ट, होमोमोर्फिज्म या फ्लोरिनेशन। इसके अलावा इन्होंने द हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री को पब्लिश किया था, जिसमें यह बताया था कि किस तरह से जो मेटलर्जी और मेडिसिन की नॉलेज एंशियंट इंडिया में कितनी थी। ठीक है, इन्होंने कभी भी कास्ट सिस्टम को सपोर्ट नहीं किया, खादी को प्रमोट किया था। ठीक है, फेमाइन और जो फ्लड स्ट्रक हो गया था, जो लोग फंस गए थे बंगाल में, उनकी हेल्प भी करी थी। इनको इंडियन साइंस कांग्रेस प्रेसिडेंट की तरह इलेक्ट किया गया था 1920 में। इनकी वैल्यूज क्या थी, डिवोटेड सोशल वर्कर, फिलेंथ्रोपिस्ट एंड एजुकेशनिस्ट। फाइन, तो 15 जुलाई के डेली करंट अफेयर्स कंप्लीट हुए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई डाउट तो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय, टाटा।